हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जियो टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे डायलर पैड के बारे में। दोस्तों आज इसमें डायलर पैड का बेस्ट एडवांस फीचर देखने वाले हैं और इसमें जो देखने में इतना स्टाइलिश वगैरह लगता है। आपका नॉर्मल डायलर पैड देखते हैं तो आपको कुछ देखने में उसको बोर हो जाते हो आप, इस तरह का लगता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैं आपको डायलर पैड के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो बहुत बेस्ट है और आपको चलाने का इम्प्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए डायलर पैड वो कौन सा है। देखिए फ्रेंड, इसमें काफ़ी एडवांस फीचर है। आपको इसमें कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है डायरेक्ट यहाँ से। आप इसका कैलकुलेटर की तरह भी यूज ले सकते हैं, आप इसे कॉलिंग भी कर सकते हो और इसमें आप अपना फोटो वगैरह भी एड कर सकते हो जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें सारी प्रक्रिया। इसके लिए आपको ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कॉन्टैक्ट वगैरह शो होता है। यहाँ पे आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपके रिसेंट कॉन्टैक्ट आ जाते हैं और यहाँ पे एडवांस फीचर से इसके बाद में आपको आगे बताऊंगा। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। इसमें कॉल करने के लिए आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कॉल करने के लिए जैसे सपोज कीजिए मुझे किसी को कॉल करना है, तो ये मुझे किसी को कॉल करना है तो आपको डायरेक्ट इस कॉन्टेक्ट नंबर को पकड़ के अगर सिम वन पे करना है तो सिम वन पे या टू पे ले जाके जरूरत छोड़ना है, डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। और दूसरी बात, इसमें आप नंबर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे जहाँ भी लेना हो वहाँ ले सकते हो। और इसमें आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट जा सकते हो, इसमें बहुत सारे फीचर नया सामने से देखने मिल जाते हैं। सपोज कि इसको व्हाट्सएप पे जाना है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, अब इसको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और आपको यहाँ मैसेंजर पे पहुंच जाओगे तो मैसेंजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको, वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ, जिससे चाहो आप तो डायरेक्ट सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे तो फिलहाल कुछ नहीं है, आपको सेटिंग में ले चलता हूँ मैं। यहाँ पे ड्रॉप की सेटिंग है, तो यहाँ ऑल कॉन्टेक्ट वगैरह सेव हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट पे मिस कॉल वगैरह सब कुछ है। या कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे कौन सी कॉल आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई रिकॉर्डिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप्स वगैरह अगर आप कॉल रिकॉर्ड करने चाहते हो उसको अलाउ कर सकते हो। तो ओपन स्पेक उसको भी रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो, स्पीकर वगैरह ओपन स्पीकर, तो मतलब इसको अगर अलाउ करोगे तो आपके कॉल रिकॉर्डिंग में आपका स्पीकर ऑन रहेगा, तो इसको आप ऑफ ही रहने दें तो बेस्ट है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करता चाहता, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में अनकाउंट नंबर, जैसे कि आपके अदर नंबर अनकाउंट कमेंट्स बोल आते हैं उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो केवल वही रिकॉर्ड होंगे, अदरवाइज कोई नहीं। यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से नंबर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो 14 नंबर, केवल उसी कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगी, इसके अलावा अदरवाइज कोई भी नहीं। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और ओपी नंबर जैसे भी आपको कॉल वगैरह आएगा तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये है कॉल ब्लॉक, यहाँ पे कॉल ब्लॉक ऑप्शन मिलता है, इसके नंबर से आप कॉल ब्लॉक कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं किसी का नहीं करना चाहता। ये देखिए सबसे बेस्ट, आप अपने डायलर को जिस चाहो जिस तरह से यूज़ कर सकते हो वो देखने में, जो काफ़ी आप अगर बोर हो जाते हो तो हर तरह के डायलर को यूज़ कर सकते हो। सपोज कीजिए मेरा अभी ये शुरू हुआ तो मैं इसको चेंज करके इसमें कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिए, तो देखिए मेरा डायलर किस तरह का स्टाइलिश और कितना मज़ेदार हो गया है। तो मैं डायलर पर जाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड लग रहा है ना एकदम मस्त। दोबारा क्लिक कीजिए, वापस जाइए और आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी यहाँ पर अपनी फ़ोटो खुद की फ़ोटो लगानी है तो यहाँ फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक कीजिए और जब आप जो भी फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो वो कीजिए, मुझे ये फ़ोटो ऐड करनी है। तो डायरेक्ट आप इस तरह से जूम करके चाहो जितनी फ़ोटो क्रॉप करके ले सकते हो। देखिए
यहाँ पे सेट फोटो पे क्लिक कर सकते हो, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम बैक चले जाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका। कॉलिंग हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, फिर डायलर, यहाँ पे डायलर का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसमें अपने डायलर नंबर सेव कर सकते हो, जिसे आप जैसे 1 या 2 3 4 कुछ भी दबाओ, आप जिसको चाहो उसको डायरेक्ट कॉल लगेगा। सपोज ये मैंने इसमें 2 दबाया और उसके बाद मैं इसमें 2 नंबर पे किसी मेरे फ्रेंड आकाश मेघवाल के नंबर सेव कर देता हूँ, तो डायल में 2 प्रेस करके रखूँगा उसको कॉल लग जाएगा, उसके लिए आपको उसको नंबर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में अगर आप इसमें इस तरह से सेट करोगे तो आपको जो इधर कोने से आप क्लिक करोगे तो अपना डायल पर निकल जाएगा, अगर आप इधर सेट करोगे इधर रोटेट कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डायल आप क्लिक करोगे तो डायल बेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना बैकअप भी ले सकते हो और कॉल रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप बैकअप यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल तो मैं बैकअप यूज़ नहीं करना चाहता, तो आपको देखने में कितना स्टाइल लगा आप ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए ट्रूप डायलर, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फर्जी ऐप है या फिर ये कोई अच्छा नहीं है, इसमें कुछ बात है, तो ये काफ़ी बेस्ट ऐप है, तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें, ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो या न्यू अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल सके।